सुप्रभात, मैं प्रीति पाठक आपकी हिंदी अध्यापिका। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण पाठ एक भाषा शुरू किया था। एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपनी बात को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे हमारी बात को सुनकर या पढ़कर समझ जाते हैं, वो होती है भाषा। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भाषा के प्रकार यानी भाषा के भेद जानते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है? अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा यानी बोलना, लिखित भाषा यानी लिखना, बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि, जिसको कि अंग्रेजी भाषा में स्क्रिप्ट कहा जाता है, स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के तरीके, लिखने के ढंग या लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यहाँ पे अब हमारा पाठ भाषा खत्म होता है, समाप्त होता है। अब आज जो मैंने सिखाया उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछती हूँ। तैयार हैं आप उत्तर देने के लिए? बताइए, लिपि किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, लिपि यानी किसी भी भाषा को लिखने के तरीके या लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? बिल्कुल सही, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब हमारा ये पाठ भाषा अब यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले नए पाठ के साथ शुरू करेंगे। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बड़ों का कहना मानिए और सिर्फ घर पर ही रहिए। बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहकर अपने सारे काम करिए। धन्यवाद।